आई तो तू 8 लाख करने की कौन है वहाँ भी आई तो मोड़ा दबी गो डिटी नगने गई तो आप ऐसे चप्पल उठिया तो तुम माने पूरा आता है तो मेहनत करी जब तो बचा ले इसमें किताब किताब जो नहीं बचा बच्चे के लिए मेरे को सब मार्केट सब जाइए तो बचा ले इसमें किताब किताब जो नहीं बच्चे के लिए मेरे को सब मार्केट का बड़ा पता करो सब तो ले रहे पर पता नहीं मोटा पता मिलेगा नहीं पहुंचे जान तला कभी नाले मन से वाला उधर ना हो जाओ ये लोगों के रोजमर्रा की जो दिक्कत है उसका समाधान करना चाहिए वो करें ना करें लेकिन हम लोग हमारी पार्टी के लोग आज राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी बहुत मदद करी है वो एक इंसानियत के तौर पर करी है। सर जी ने अभी कहा था कि हम यूपी के लोगों को मुआवजा नहीं देंगे जबकि धौलपुर में 2 यूपी के लोगों की मौत हुई है वो किसान ने सामने किया राजनीति जो होती है इंसान की कीमत कैसे कोई लगा सकता है लेकिन अगर कोई धनराशि देके उसके बच्चे या परिवार पल सके तो उसमें क्या करना कि कौन आगरे का है कौन धौलपुर का है। इंसान की मौत हुई है दोनों सरकार एक ही पार्टी की है फिर भी ये पक्षपात कर रहे हैं तो इंसान की मौत के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मुझे दुख है मैं और मेरी पार्टी पूरे लोग इस इलाके के संवेदनता प्रकट करते हैं जिन लोगों की मौतें हुई हैं जिनका नुकसान हुआ है इस कठिन घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं लेकिन मुझे दुख है कि मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार बिल्कुल आँख पे पट्टी बांध के काम कर रहे हैं और उनको जनता के दुख पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। इस बात पर जब चुनाव आता है तो जनता के बीच में ही आती है वोट मांगने अभी तो पता पड़ जाएगा 6 महीने पीछे अब हुए थे उपचुनाव राजस्थान में 17 जगह सुपड़ा साफ हो गया और इस दिन ये राजस्थान में अब तक 22 जगहों विधानसभा वोट पड़े हैं जहाँ तक वोट की बात है कांग्रेस को 20 सीट जीती हमने 22 में पब्लिक हमारे साथ है लेकिन आज हम यूँ क्यों घूम रहे हैं दुख में क्योंकि लोग परेशान हैं लोगों को खाने को अनाज नहीं है दाना नहीं है उनकी मदद हम करना चाहते हैं ये काम अगर प्रशासन या सरकार करती है हमें नहीं करना पड़ता के वो हमें नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चक्रवाती तूफान आंधी इसकी चेतावनी के लिए उपकरण जयपुर में है वो सारी मशीन उपकरण खराब पड़े रहे इसलिए समय से पहले सूचना चेतावनी लोगों को नहीं मिली अगर 24 घंटा पहले पता पड़ जाता तो इतनी मौत नहीं होती लगभग 38 मौत प्रदेश में हुई है धौलपुर भरतपुरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको जो मुआवजा सरकार दे रही है बहुत कम है हमें लगता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आई और अपनी बात कहकर चली गई लेकिन धरातल पर भरतपुर जिले में तो बिजली का भी अभी पूरी पानी की किल्लत है अस्पताल में लोग भर्ती हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं उन परिवारों से उनको नौकरी मिलनी चाहिए धौलपुर जिले में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ का मुआवजा समय से पहले लोगों को मिल जाए गिरदावरी के आदेश देने चाहिए जहाँ जहाँ अनाज का नुकसान हुआ फसल नुकसान हुआ है अब इस गांव में 19 मकान जल गए और 29 मकानों को नुकसान हुआ है घर का सारा सामान जल गया कपड़े लत्ते खाने का सामान बर्तन सब निपट गए तो हम लोगों ने आज सरकार ने जो किया बाद में करें
लेकिन हम लोगों ने यहाँ इनको नहाने धोने का सामान, कपड़े, खाने के लिए आटा और कुछ आर्थिक मदद उनकी करी जिन बच्चों के हाथ पीले होने वाले थे। तो सरकार को चाहिए था समय से पहले चेतावनी करते, और अभी भी मुझे बताया गया दिल्ली से कि अगले 4-5 दिन में दोबारा इस प्रकार की तूफान आने की संभावना है। ये सर पूरा का पूरा जिला में आपका प्रबंधन बिल्कुल शून्य है, आपका प्रबंधन मंत्री ने किया नहीं ना वो करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भी सिर्फ यहाँ पर अपना खाना पूर्ति कर कर आकर चली गई। लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, खाने को सामान नहीं है। तो प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है वो नाकाफी है। हमें लगता है कि जो नुकसान मवेशियों का हुआ है, जिनकी भैंस भेड़ बकरी मर गई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और ये सहायता एक महीने के बाद मिले उसका कोई औचित्य नहीं। सर जिस दिन CM आई थी, हमने स्वयं यहाँ कवरेज की तो देखा कि अनाज भी पास के गाँव से लोग फसा के रूप में दे रहे हैं, लेकिन सरकार कंट्रोलों पे गाँव बांट रही है गेहूँ। तो ये सरकार की तरफ से गेहूँ तक ऐसा है, ये प्रकृति का प्रकोप है, ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है सरकार शासन चलाने की, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी को चिंता इस बात की है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, उन्हें चिंता नहीं है भरतपुर धौलपुर के लोगों पर क्या बीत रही है। तो सिर्फ आ जाना, खाना पूर्ति कर लेना, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रशासन, सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो चुके हैं, उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, जनता के पीछे जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन मानवता के आधार पर यहाँ पे